पिछले 48 घंटे से इसराइल पर हिजबुल्ला के शक्तिशाली हमले जारी हैं। उसकी मिसाइलों का टारगेट इसराइल का एक नेवल बेस भी बना है। लेबनान में एक महीने तक ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के बाद इसराइल ने कहा था कि हिजबुल्ला दशकों पहले वाले हाल में पहुंच चुका है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हथियार और लड़ाके खत्म हो चुके हैं। तो फिर बीते 48 घंटे से हिजबुल्ला बड़े और कामयाब हमले कैसे कर रहा है? यहाँ तक कि नईम कासिम ने दावा किया है कि इसराइल पर हमले के लिए 1,00,000 लड़ाके तैयार हैं। तो क्या है इस शक्ति का रहस्य जिसके तार जॉर्डन से जुड़े हैं? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बीते 48 घंटे से इसराइल पर हिजबुल्ला का बारूद बरस रहा है। मिसाइलों और रॉकेट से स्वार्म हमले हो रहे हैं। इसराइल की 4 लेयर डिफेंस सिस्टम सिक्योरिटी भी इन हमलों को रोक नहीं पा रही है। इसराइल के शहर शहर पर हिजबुल्ला के रॉकेट गिर रहे हैं। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल के किरियत याम और किरियोत में आग लग गई। किरियत याम पर हिजब ने कई रॉकेट हमले किए और इन हमलों से जगह जगह आग लग गई। हिजब का एक रॉकेट हाइफा के मिलिट्री बेस पर गिरा और इसकी तस्वीरें सर्वेलेंस कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल के आसमान पर जगह जगह धुआं नजर आने लगा। पिछले 15 दिनों से इसराइल में हिजबुल्ला की स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा हो गई है, जो पिछले महीने तक 10% भी नहीं थी। हिजब ने इसराइल के हाइफा, साफेद और रमात डेविड एयरबेस पर हमले किए हैं। इसके साथ ही वेस्टर्न गैलिली के अनिक्रा, अबरिम पर भी हमले किए गए। अपर गलीली के मिनाशे और कार्मेरल में हिजब के कई रॉकेट गिरे। इसराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के 30 रॉकेट हमले नाकाम कर दिए गए और एक ड्रोन को वायुसेना के फाइटर जेट ने इंटरसेप्ट कर दिया। जबकि हिजबुल्ला का दावा है कि उसने 70 रॉकेट हमले किए। हिजबुल्ला के हमलों में एक आम नागरिक के घायल होने की खबर है। इसराइल के अंदर तो हिजबुल्ला ने हमले किए ही हैं, लेबनान में भी इजरायली सेना को चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इसी दौरान इसराइल की इन्फेंट्री टुकड़ी हिजबुल्ला के जाल में फंस गई। हिजब के ट्रैप में फंसकर 5 इसराइली सैनिकों की मौत हो गई और 16 सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्ला ने इसराइली मिलिट्री बेस के साथ साथ लगातार दूसरे दिन हाइफा के नेवल बेस पर फिर हमला किया है। बीते 2 दिन में हिजबुल्ला को इसराइल पर बड़ी कामयाबी मिली है और लगातार दूसरे दिन एक ही ठिकाने पर हमले को रक्षा विशेषज्ञ हिजबुल्ला की प्रिसिशन कैपेबिलिटी यानी सटीक हमले करने की काबिलियत के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल के स्टेला मारिस नेवल बेस है और इस पर हिजबुल्ला ने लगातार दूसरे दिन हमला किया है। 7 नवंबर को लेबनान से हिजबुल्ला ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में इजरायली नेवल बेस पर बना रडार स्टेशन तबाह होने की रिपोर्ट है। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि इजरायली युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा। इससे पहले 6 नवंबर को इसी बेस पर हिजबुल्ला ने रॉकेट हमले किए। हिजबुल्ला के दावे के मुताबिक इस हमले में सर्वेलेंस टावर तबाह हो गया।
इसराइल ने हिजबुल्ला के हथियार खत्म करने, उसकी ताकत कम करने के उद्देश्य से ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हिजबुल्ला पर लगातार इसराइल के हमले जारी हैं। 6 और 7 नवंबर को भी इसराइल ने कई बड़े हमले किए, जिनसे हिजबुल्ला के हथियार गोदाम और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। सेंट्रल तायरे में इसराइल के हमले से 2 अपार्टमेंट की इमारतें धराशायी हो गईं। लेबनान के जूर में इजरायली वायुसेना ने हिस्प की एयर यूनिट 127 के कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड ठिकाने में बारूद लगाकर उसे नष्ट कर दिया। लेबनान के सिडोन में इजरायली ड्रोन हमले से 3 लोगों की मौत हो गई और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 4 जवान घायल हो गए। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इसराइल के हमलों में 53 लोग मारे गए हैं और 161 लोग घायल हुए हैं। इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को 38 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। इसराइली सेना प्रमुख आरजी हालेवी ने दावा किया था कि इसराइली सेना ने हिजबुल्ला के ज्यादातर लड़ाके 90% तक इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार तबाह कर दिए हैं। लेकिन जिस तीव्रता से इसराइल पर हिजबुल्ला के हमले हो रहे हैं, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि हिजबुल्ला कमजोर पड़ा है। सवाल यह है कि आखिर दक्षिणी लेबनान में कमांड कंट्रोल सेंटर, अंडरग्राउंड ठिकाने और ओवरग्राउंड लड़ाके खत्म होने के बाद भी हिजबुल्ला को नई फोर्स और नया उत्साह कहां से मिल रहा है। इसका जवाब है हिजबुल्ला का नया प्रमुख नईम कासिम। लेबनान के कफर फिला में नईम कासिम का जन्म हुआ था और कफर फिला जॉर्डन की सीमा पर है। गोलन हाइट्स जॉर्डन के हाथों से निकलने के बाद जॉर्डन की बड़ी आबादी लेबनान के कफर फिला आ गई। नईम कासिम ने पुराने संबंधों के आधार पर जॉर्डन में काफी गहरी जड़ें जमाई हैं। जॉर्डन से हिजबुल्ला को समर्थन और लड़ाके मिल रहे हैं, यानी ट्रेंड लड़ाके हिजबुल्ला की ताकत बन रहे हैं। इसीलिए नईम कासिम ने 7 नवंबर को इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि इसराइल पर 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके हमले करने को तैयार हैं। जॉर्डन सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। जॉर्डन में आए दिन गाजा के लिए प्रदर्शन होते हैं। और खास बात यह है कि गाजा के लिए जंग लड़ रहे शिया मिलिशिया संगठनों को जॉर्डन के मुस्लिम संगठन समर्थन दे रहे हैं। जॉर्डन विदेश नीति के मोर्चे पर अमेरिका के साथ है, लेकिन जॉर्डन में 65% आबादी फिलिस्तीनी मूल की है। अब मुस्लिम आबादी ने हमास और हिजबुल्ला को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया है। नसरल्ला के 40वें पर जॉर्डन में रैलियां निकाली गई। रैलियों में लब्बैक या नसरल्ला के नारे लगाए गए। जॉर्डन में IAF यानी इस्लामिक एक्शन फ्रंट नाम की पार्टी हमास हिजबुल्ला की समर्थक है। बीते महीने के संसदीय चुनाव में IAF को सबसे ज्यादा सीटें मिली। अमेरिका ने इस पर चिंता जताई थी कि जॉर्डन में कट्टरपंथ जोर पकड़ रहा है। IAF हमास हिज्ब के लिए जॉर्डन में जमीन तैयार कर रहा है और इसी पार्टी के जरिए ईरान भी अपना एजेंडा चला रहा है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के लिए ये चिंता की बात है। लेकिन फिलहाल हिजबुल्ला को जॉर्डन से ही बड़ी ताकत मिल रही है और इसीलिए इसराइल पर हमले तेज हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, अरब में यूएस सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हुती ने अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया है। हुती के हमले में MQ-9 ड्रोन तबाह हो गया। हुती ने अब तक 12 MQ-9 जला दिए हैं। يا ولد على الحرام
يا ولد على الحرام خل امريكا تحرق. गाजा युद्ध अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है. अमेरिका, रूस, चीन और अरब के सभी देश इस मुद्दे में अपने अपने हित साधने के लिए उलझे हुए हैं. लेकिन इस युद्ध के बाद इजरायली बनाम अरब की जंग दुनिया भर में फैल गई है. बीती रात नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में इजरायलियों और अरब के लोगों के बीच मारपीट हो गई. यूरोपा लीग के फुटबॉल मैच के दौरान ये झड़प शुरू हुई और इसके बाद इजरायली यहूदी मुस्लिमों के निशाने पर आ गए. एम्स्टर्डम में देखते ही देखते दंगे जैसे हालात हो गए. इजरायलियों को गलियों में घसीट घसीट कर पीटा जाने लगा. पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा लेकिन हालात बिगड़ते गए. नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम की ये तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा है. एम्स्टर्डम की सड़कों पर उत्पात शुरू हो गया. इसराइल से आए फुटबॉल फैंस को गलियों में घेर घेर कर पीटा जाने लगा. जहां भी अरब के प्रवासियों को इसराइली नजर आए उन पर हमले शुरू कर दिए गए. लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मारपीट और दंगा भड़का कैसे और इजरायलियों पर एम्स्टर्डम में हमले अचानक क्यों शुरू हो गए. दरअसल 7 नवंबर को यूरोपा लीग में मैकावी तेल अवीव वर्सेस एजेक्स टीम का फुटबॉल मैच एम्स्टर्डम में था. एजेक्स ने यह मुकाबला 5-0 से जीत लिया. मैकावी के इजरायली फैंस मैच देखने पहुंचे थे. आरोप है कि एम्स्टर्डम में इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों के विरोध में नारेबाजी की. दावा है कि ये इजरायलियों के स्टेडियम से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं जिसमें लोगों ने इजरायल के झंडे लिए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं. एस्केलेटर से उतरते इजरायली नारेबाजी करते दिख रहे हैं. समझने वालों के आरोप हैं कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है. इन तस्वीरों में मैकावी टीम के इजरायली फैंस फिलिस्तीन का झंडा फाड़ते नजर आ रहे हैं. इजरायली फुटबॉल फैंस पर आरोप है कि मैच में हार के बाद वो गुस्से में थे और फिलिस्तीन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. आरोप है कि इजरायलियों ने किल द अरब्स के नारे लगाए. इसके साथ ही कहा कि गाजा में स्कूल नहीं बचे क्योंकि सभी बच्चे मारे गए. इसके बाद फिलिस्तीन के झंडे फाड़े. इजरायली फैंस ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमले शुरू कर दिए. एम्स्टर्डम के टैक्सी ड्राइवरों पर इजरायलियों ने हमले किए. इसके बाद इजरायलियों पर पलटवार शुरू हो गए. अरब देशों से गए शरणार्थी नीदरलैंड्स में टैक्सी ड्राइवर और रोड साइड हॉकर्स हैं. जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा अरब के लोगों ने इजरायलियों पर हमले शुरू कर दिए. इसके बाद इजरायली फुटबॉल फैंस जिस होटल में ठहरे थे उसे भी अरब लोगों की भीड़ ने घेर लिया और हमले शुरू कर दिए. इजरायलियों के साथ मारपीट करके उनसे फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगवाए गए. चश्मदीदों का दावा है कि हिंसा बढ़ी तो इजरायलियों ने इसे एंटी सेमिटिक अटैक बताना शुरू कर दिया. एम्स्टर्डम पुलिस पर इजरायली फुटबॉल फैंस का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर हमला करने वालों को नहीं रोका. एम्स्टर्डम पुलिस ने इस मामले में 57 लोगों को गिरफ्तार किया है. 10 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमलों में घायल हुए हैं. इजरायली फैंस का आरोप है कि अरब के लोगों ने उनका पीछा किया जिसके बाद उन पर हमले शुरू हुए. इजरायली गृह मंत्री इतमार बेन गाविर ने कहा है कि इजरायली फुटबॉल फैंस पर यहूदी विरोधी हमले हुए. मुस्लिमों ने उन्हें निर्दयता से मारा है. इनके साथ मारपीट सिर्फ यहूदी और इजरायली होने की वजह से की गई.
जबकि हमले करने वालों के आरोप हैं कि गाजा के बच्चों पर टिप्पणियां करने और नारे लगाने के बाद इजरायलियों पर हमले शुरू हुए। दोनों पक्षों के घटनाक्रम पर अपने अपने बयान हैं, लेकिन गाजा की जंग ही इस मारपीट के पीछे की असली वजह है। इसराइल की सरकार ने इस हिंसा के बाद नीदरलैंड सरकार से संपर्क किया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नीदरलैंड सरकार से संपर्क करके इसराइलियों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। इसराइल से नीदरलैंड के लिए विशेष विमान रवाना किए गए। इनके साथ मेडिकल और रेस्क्यू टीम भी भेजी गई। इन विमानों से इसराइली फुटबॉल फैंस को वापस लाया जाएगा। नीदरलैंड्स में हुए इस उत्पात पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसराइल के राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने कहा है कि एम्स्टर्डम में यहूदी विरोधी नरसंहार की कोशिश की गई। इसके साथ ही नीदरलैंड्स के किंग विलियम अलेक्जेंडर ने भी इसे यहूदी विरोधी हिंसा कहा है। अब तक गाजा समर्थकों और इसराइल समर्थकों के प्रदर्शन कई देशों में होते रहे हैं। अमेरिका में दोनों गुटों के बीच झड़पें भी होती रही, लेकिन एम्स्टर्डम जैसे बड़े हमले इसराइलियों पर अब तक नहीं हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप की जीत पर पूरे अमेरिका में जश्न मनाया गया। यूरोप से लेकर एशियाई देशों की तरफ से बधाई दी गई, लेकिन सभी को इंतजार था कि आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की जीत पर कुछ बोलेंगे या नहीं। अब सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ बधाई दी है बल्कि उनकी तारीफ करके कई संकेत भी दे दिए, जिससे ज़ेलेंस्की और नाटो की बेचैनी बढ़ गई है। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो यूरोप में नए समीकरण बन जाए जिसका खामियाजा ज़ेलेंस्की को भुगतना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप जीते तो दुनिया भर के देशों से ट्रंप को बधाई संदेश आने लगे, लेकिन दुनिया की निगाहें लगी थी कि आखिर पुतिन क्या बोलते हैं। अड़तालीस घंटे बाद व्लादिमीर पुतिन बोले, ट्रंप पर बयान दिया, खुलकर तारीफ की। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण होगा, लेकिन ये ट्रंप के बिना नामुमकिन है। इसलिए हर मुद्दे पर पुतिन बातचीत को तैयार है, जिसमें सबसे अहम है रूस यूक्रेन युद्ध। ट्रंप की सत्ता में वापसी से यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की घबराहट बढ़ी हुई है, कहीं हथियार मिलना ना बंद हो जाए, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को लेकर बाइडेन की नीति का खुलकर विरोध कर चुके हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की रसद और हथियारों की खेप रोक दें, क्योंकि जीत के बाद वाले भाषण में ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हां, इसराइल की सुरक्षा को लेकर बड़े दावे जरूर किए। ऐसे में ज़ेलेंस्की परेशान थे। उन्होंने कहा उन्हें हथियार चाहिए, यानी बातचीत के लिए मध्यस्थ। ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा है कि अब यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप पुतिन की केमिस्ट्री यूक्रेन को बैकफुट पर ला सकती है। हालांकि सब कुछ ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण से दोनों में बातचीत हो सकती है? क्या यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? हालांकि इस पर फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप को लोगों ने अमेरिकी हितों के लिए चुना है, हमें भी अपने हित साधने होंगे। यानी नेटो भी ये बात समझ रहा है, अब यूक्रेन को लेकर अमेरिका का आक्रामक तेवर शायद ही रहे। ऐसे में कोई युद्ध विराम का फॉर्मूला निकल सकता है। इसलिए ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर सबकी नजर रहेगी, जिसमें पुतिन की कई शर्तें हो सकती हैं, जिसमें सबसे खास होगा कि रूस का कब्जा लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन जैसे इलाकों पर हो। इसके अलावा समुद्री सीमा पर रूस का पूरा कंट्रोल हो, ज़ेलेंस्की को हटाकर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं, साथ ही नेटो ये गारंटी दे कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता अगले 20-25 साल तक नहीं दी जाएगी। साथ ही यूक्रेन में यूरोप और नेटो का दखल बंद हो और यूक्रेन में रूसी समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व मिले। यानी पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिस पर काफी हद तक रूस का कंट्रोल हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस हमला जारी रखेगा। ऐसे में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर नेटो और ज़ेलेंस्की की नजर रहेगी। लेकिन ट्रंप इशारा दे चुके हैं कि उनके लिए यूक्रेन से ज्यादा जरूरी इसराइल है।
यानी अमेरिका फोकस अरब पर करेगा तो यूरोप में यूक्रेन का अलग थलग पड़ना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। वहीं ट्रंप की वापसी के कारण ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले पस्त हो गए हैं। जैसा कि ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद को रोक सकते हैं, ज़ेलेंस्की की चिंता का कारण यही है। उधर रूसी सेना अब यूक्रेन को जिस तरह से जला रही है उससे इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है कि सर्दी में यूक्रेनी फोर्स सरेंडर को मजबूर हो सकती है। रूसी सेना 3000 किलो के बम से हमला कर यूक्रेन को ध्वस्त कर रही है। उधर अमेरिका में ट्रंप की वापसी से ज़ेलेंस्की के हौसले पस्त हो गए हैं। यूक्रेन ने सर्दियों में जंग के लिए जो योजना बनाई थी वो ट्रंप के आते ही धराशायी हो गई है। ट्रंप यूक्रेन को समर्थन से पीछे हट सकते हैं, वो यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद रोक सकते हैं। अमेरिका मदद रोकेगा तो नेटो खुद ब खुद अपने कदम पीछे खींच लेगा और इस तरह यूक्रेन हार या सरेंडर के कगार पर पहुंच जाएगा। ये बात ज़ेलेंस्की को बखूबी पता है, यही वजह है कि वो अमेरिका चुनाव परिणाम आने के साथ ही टेंशन में है। उधर ट्रंप की जीत के साथ ही यूक्रेन में रूस के हमले बहुत तेज हो गए हैं। रूसी सेना कुर्स्क से लेकर यूक्रेनी धरती पर ज़ेलेंस्की सेना का संहार कर रही है। ये संहार फैब 3000 बमों से किया जा रहा है। रूसी सेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से घेर लिया है। उत्तर कोरिया के 11000 सैनिक कुर्स्क पहुंच गए हैं। 2000 सैनिक रास्ते में हैं, वो भी कुर्स्क में मोर्चा संभालने वाले हैं। कुर्स्क में किम सेना की एंट्री के साथ ही यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स को कई मोर्चों पर घेर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की जो टुकड़ी बची है वो तीन तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ से रूस की सेना ने घेर लिया है तो दो तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों ने घेरा डाल दिया है। यूक्रेनी फोर्स को घेरने के साथ ही रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी है। इस तरह ज़ेलेंस्की के सैनिक न सिर्फ घिर गए हैं बल्कि निहत्थे भी हो गए हैं। कुर्स्क में अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेनी फोर्स के पास सरेंडर करने का विकल्प भी नहीं बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया के स्पेशल कमांडो ऑन द स्पॉट यूक्रेनी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। इसके अलावा रूस ने कीव, ज़ेपोरिज़्या, खार्किव और ओडेसा में अपनी बढ़त बना ली है। खार्किव में रूस की बमबारी से जबरदस्त तबाही हुई है। ज़ेपोरिज़्या में रूस के हमले में 5 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ओडेसा में रूस ने पोर्ट पर हमले किए, हमले से पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने कीव में एयरफील्ड पर ड्रोन की वर्षा की, धमाके से एयरफील्ड के पास आग लग गई। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज उत्तर कोरिया के मिसाइलों से भी धावा बोल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले के लिए एक और फ्रंट खोल दिया है। इस फ्रंट का नाम है कैस्पियन सागर। रूसी नौसेना यहां से भी यूक्रेनी शहरों पर बारूदी वज्रपात कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अब रूस की कोशिश पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा कर कीव की घेराबंदी करने की है। इसके बाद रूस ज़ेलेंस्की सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकता है। पुतिन सेना ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने तक कीव को घेरने की तैयारी में है। इसके बाद कीव में अपनी कठपुतली सरकार बनाकर घेराबंदी खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
ट्रंप की जीत से एक तरफ जेलेंस्की की बेचैनी बढ़ गई है तो दूसरी ओर साउथ कोरिया में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में किम और ट्रंप की केमिस्ट्री काफी अच्छी रही थी। ऐसे में साउथ कोरिया को खतरा है कहीं किम जोंग उनका फायदा उठाकर परमाणु परीक्षण ना कर ले। ये रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ कोरिया के बार बार मिसाइल टेस्ट से साउथ कोरिया दहशत में है, क्योंकि साउथ कोरिया को अंदेशा है कि किम जोंग कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। अभी तक साउथ कोरिया लगातार नॉर्थ कोरिया पर पलटवार की धमकी देता रहा है, क्योंकि बाइडेन से लगातार मदद मिल रही थी। पीले सागर में अमेरिकी युद्ध पोत तैनात थे, लेकिन अब साउथ कोरिया सहमा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो चुकी है और ट्रंप किम की केमिस्ट्री ठीक रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में किम से दो बार मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में अब ट्रंप और किम की केमिस्ट्री कहीं साउथ कोरिया को बैकफुट पर ना ढकेल दे, इसलिए साउथ कोरिया ने मिसाइल ड्रिल शुरू कर दी है। वो नॉर्थ कोरिया को दिखाना चाहता है कि मुकाबले के लिए वो तैयार है। उधर नेटो ने अंदेशा जताया है कि अब किम जोंग परमाणु टेस्ट कर सकता है, ऐसा ट्रंप की ताजपोशी से पहले हो सकता है। नेटो ने कहा है नॉर्थ कोरिया न सिर्फ साउथ कोरिया के लिए खतरा है, बल्कि उसका रूस से गठबंधन यूरोप में भी संकट पैदा कर सकता है। इस बारे में ट्रंप के साथ बातचीत में मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यानी नेटो सहमा हुआ है कहीं ट्रंप किम की केमिस्ट्री से यूरोप में वर्ल्ड ऑर्डर ना बदल जाए, क्योंकि किम को लेकर ट्रंप ने अगर ढील दी तो किम जोंग उन उसका फायदा उठा सकते हैं। उधर पुतिन किम भी यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। किम सेना रूस के साथ मिलकर काम कर रही है, जबकि पुराना रिकॉर्ड है कि ट्रंप और किम की केमिस्ट्री अच्छी है, और इस बीच नेटो सतर्क हो गया है कि कहीं यूरोप में नेटो बैकफुट पर ना आ जाए। ऐसा हुआ तो यूक्रेन भी तबाह होगा और किम पुतिन मिलकर आगे किसी दूसरे देश को भी टारगेट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको नए रूप में नजर आए। लुकाशेंको ने लंबर जैक प्रतियोगिता में कुल्हाड़ी चलाकर जनता के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर लुकाशेंको ने कहा कि वो ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाने के लिए याचिका दायर करेंगे। सवाल यही है कि आखिर लुकाशेंको ने ऐसा क्यों कहा? एक वार किया और लकड़ी का मोटा टुकड़ा दो भाग में कट गया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कुछ इस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। लुकाशेंको ने सैकड़ों लोगों के सामने लकड़ियां काटकर जनता की वाहवाही बटोरी। बेलारूस में हर साल सर्दियों से पहले लकड़ी काटने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस बार इस प्रतियोगिता का उद्घाटन खुद बेलारूस के राष्ट्रपति करने पहुंचे। इसके बाद वहां जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लुकाशेंको ने किसी आम आदमी की तरह कुल्हाड़ी चलाई, लकड़ियां काटी तो जनता ने ताली बजाकर उनकी तारीफ की। लुकाशेंको जनता से जुड़े रहने के लिए आए दिन कुछ अलग और दिलचस्प काम करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। उद्घाटन खत्म हुआ, प्रतियोगिता आरंभ हुई तो मीडिया ने लुकाशेंको से अमेरिका में ट्रंप की वापसी और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछा। इस पर लुकाशेंको ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा देंगे तो वो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए याचिका दाखिल करेंगे। ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे। ट्रंप के ऐसे बयानों पर ही लुकाशेंको ने ये कहा है।
रूस यूक्रेन में करीब 3 सालों से छिड़ी जंग खत्म होगी या नहीं, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इसराइल के एकर में लगा है आपातकाल, हिजबुल्ला के हमले के बाद लगा है आपातकाल। हिजबुल्ला ने एकर में 9 ड्रोन फायर किया था, जिसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। हिजबुल्ला के हमले के बाद से इमरजेंसी लगाई गई है। देखिए, आप देख सकते हैं हालात, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्ला के हमले किए जा रहे हैं। तो युद्ध के बाद आखिर गाजा का क्या होगा, इसको लेकर अब तक इसराइल चुप था, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा के भविष्य को लेकर पहला आधिकारिक बयान और प्लान जारी कर दिया है। असल में नेतन्याहू गाजा का इसराइल में विलय चाहते हैं, मतलब ये कि गाजा पर कब्जा कर इसे इसराइल में मिला लिया जाएगा। नेतन्याहू का प्लान सामने आया तो अरब में इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। सवाल ये कि क्या ट्रंप इसराइल के इस प्लान को हरी झंडी देंगे। अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही नेतन्याहू ने गाजा को लेकर न सिर्फ नया प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि उसे जारी भी कर दिया है। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, इसराइल का ये प्लान इसी का जवाब है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने गाजा को लेकर जो रणनीति बनाई है वो बहुत ही खतरनाक है। नेतन्याहू का ये प्लान अगर लागू हुआ तो गाजा का भूगोल बदल जाएगा। इसराइल अगर अपने मकसद में सफल रहा तो गाजा का अस्तित्व मिट जाएगा। नेतन्याहू का नया गाजा प्लान क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले IDF नेतन्याहू के सपने को साकार करने के लिए गाजा में किस तरह से नरसंहार कर रही है उसे देखिए। इसराइली एयरफोर्स अब गाजा में बचे चंद रिहायशी इलाकों को भी समतल कर रही है। IDF ने उत्तरी गाजा के शाहिब स्कूल पर हमला किया, हमले में 12 लोग बेमौत मारे गए। इसराइल ने गाजा में अल शाती स्कूल को भी टारगेट किया, हमले में 15 लोगों की जान चली गई। उत्तरी गाजा के जबालिया में भी इसराइल ने जबरदस्त हमले किए, कई इमारतें ध्वस्त हो गई। खान यूनिस में इसराइल की बमबारी की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने गाजा में 24 घंटे के अंदर 60 हवाई हमले किए। इसराइल की खतरनाक बमबारी में 50 लोग मारे गए। IDF हमास के टनल नेटवर्क को भी तबाह कर रही है। 24 घंटे में इजरायली सेना ने हमास की 2 सुरंगों को तहस नहस कर दिया। इन दोनों सुरंगों की लंबाई 1-1 किलोमीटर थी। गाजा में हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि इजरायली सेना अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खतरनाक प्लान पर काम कर रही है। नेतन्याहू के इस प्लान का खुलासा तब हुआ जब इजरायली सेना ने गाजा के भविष्य को लेकर पहली बार आधिकारिक ब्लूप्रिंट जारी किया। IDF के ब्रिगेडियर जनरल इत्ज़िक कोहेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो लोग उत्तरी गाजा छोड़कर गए थे अब उन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। IDF की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसके पीछे नेतन्याहू का गाजा प्लान है।
तो गाजा को लेकर नेतन्याहू का ब्लूप्रिंट क्या है, अब इसे समझिए। इजरायली सेना का कहना है कि उत्तरी गाजा पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब इजरायल उत्तरी गाजा में लोगों को वापस नहीं आने देगा। इतना ही नहीं, उत्तरी गाजा में कोई राहत सामग्री नहीं भेजी जाएगी। आईडीएफ का कहना है कि चूंकि उत्तरी गाजा में कोई नहीं बचा है, इसलिए राहत सामग्री भेजने की जरूरत ही नहीं है। नेतन्याहू और उनकी सेना गाजा की आबादी को मिस्र के रेगिस्तान में बसाना चाहती है। मिस्र अगर इसके लिए नहीं माना तो इजरायल ने एक दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा है। मिस्र के इनकार करने पर इजरायल गाजा के लोगों को गाजा के ही अलमवासी में शिफ्ट कर सकता है। इसके बाद गाजा पर कब्जा कर उसका इजरायल में विलय करने की योजना है। गाजा को लेकर नेतन्याहू ने जो प्लान बनाया है उसी को लेकर उनमें और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट में विवाद है। गैलेंट ने कहा है कि अब गाजा में इजरायली सेना को रखने का कोई कारण नहीं है। लेकिन नेतन्याहू गाजा में सेना रखना चाहते हैं। नेतन्याहू का गाजा प्लान तभी पूरा होगा जब गाजा में आईडीएफ की मौजूदगी होगी। यही वजह है कि नेतन्याहू और गैलेंट में ठन गई है। गैलेंट अब रिटायर्ड सैन्य अफसरों और गाजा की जंग में जख्मी हुए सैनिकों से मिलकर अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। गैलेंट के लिए इजरायल में समर्थन बढ़ता जा रहा है। कल सैनिकों ने गैलेंट के लिए मार्च निकाला था, तो अब हजारों लोग सड़क पर उतरकर गैलेंट के पक्ष में और नेतन्याहू के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बेंजामिन नेतन्याहू अब उन लोगों को अपनी टीम से हटा रहे हैं जो बाइडेन समर्थक हैं, क्योंकि अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। गैलेंट के बाद अब बेंजामिन ने अमेरिका में इजरायली राजदूत को बदलने का निर्णय लिया है। अभी माइकल हर्जॉग अमेरिका में इजरायल के राजदूत हैं, लेकिन ट्रंप शासनकाल में नेतन्याहू के करीबी ओफर फॉक अमेरिका में इजरायल के राजदूत बन सकते हैं। जाहिर है नेतन्याहू और गैलेंट की लड़ाई हर बीतते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही है। गैलेंट को मिल रहा समर्थन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इजरायल की जनता पहले से ही नेतन्याहू की नीतियों से नाराज है, ऐसे में वो अपना समर्थन गैलेंट को दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इजरायल में तख्ता पलट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है लेबनान की बालबेक में बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने बालबेक में चार धमाके कर दिए। हिजबुल्ला से जुड़ी चार इमारतें भी ध्वस्त हो गई हैं। ट्रंप की जीत के बाद से ईरान में हलचल बढ़ गई है। खामेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी और IRGC कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसमें तय हुआ है कि अब अमेरिका और इसराइल को अरब में कैसे रोका जाए। इसके लिए खामेनेई ने नया ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है और ईरानी प्रॉक्सी इसराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, जबकि इसका मुकाबला करने के लिए पेंटागन में पलटवार के लिए अमेरिकी समर्थक का प्रॉक्सी गुटों को फ्रंट लाइन पर लाने की तैयारी है, जिसके लिए हथियार सप्लाई भी किए जा रहे हैं। यानी ट्रंप के आने से अरब में नए पैटर्न का युद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी से अमेरिका और इसराइल समर्थित प्रॉक्सी गुट आपस में टकरा सकते हैं। तीन फ्रंट पर इजरायल तबाही मचा रहा है। पहले फ्रंट पर लेबनान में बम बरसा रहा है, दूसरे फ्रंट पर गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है और तीसरे फ्रंट पर सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ठिकाने उसके टारगेट पर हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू के सामने चैलेंज है कि वो न सिर्फ ईरान को बैकफुट पर ढकेलें, बल्कि उसके समर्थित संगठनों को भी नेस्तनाबूद करें। जैसे उसने हमास और हिजबुल्ला पर हमले किए हैं, उसी तरह से उन तमाम ईरानी प्रॉक्सी पर हमले करके ईरान की ताकत को कम कर दे।
अब अरब में ईरानी प्रॉक्सी से इसराइल अमेरिका के प्रॉक्सी युद्ध लड़ेंगे। इसराइल ने अपने प्रॉक्सी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अमेरिका भी कई प्रॉक्सी संगठनों को ईरान के खिलाफ तैयार करने में जुट गया है, और ये उसी तैयारी का सबूत है जब अमेरिका सीरिया में अपने समर्थित गुट पीकेके को हथियार पहुंचा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कार्गो प्लेन से पेंटागन ने सीरिया एयरपोर्ट पर हथियार भेजे, जिन्हें 12 ट्रकों में भरकर पीकेके के सैन्य ठिकानों पर पहुंचाया गया। यानी अरब में अब नए पैटर्न का युद्ध शुरू होने वाला है, जिसमें प्रॉक्सी गुट आपस में ही भिड़ेंगे। ईरान इस्लामिक देशों को भड़काकर इसराइल के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। इसके लिए होती हिजबुल्ला भी जुटे हैं। होती ने कहा है कि सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका के चंगुल में फंसकर दुधारू गाय हो गए हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना जरूरी है। यानी ईरान अब इस युद्ध को धर्म युद्ध में बदलना चाहता है, जबकि ट्रंप की जीत के बाद से इसराइल के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की सुरक्षा का भरोसा जताया है। नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की, जिसमें उन्होंने समझाया कि अगर ईरान को नहीं रोका तो अरब में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन सकता है। मोसाद की रिपोर्ट है कि ईरान अमेरिका का दबदबा खत्म करना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका को आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान होगा। होती और ईरानी प्रॉक्सी की इन कोशिशों ने अमेरिका को डरा दिया है, इसलिए अमेरिका और इसराइल अपने समर्थन वाले प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने में जुट गए हैं। पेंटागन और मोसाद ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की है, जिसपे जो नाम है वो सुन लीजिए। ईरान के अलग अलग इलाकों में कई विद्रोही गुट सक्रिय है, इनमें पहला है MEK। इसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1979 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC से मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया। साल 2000 में ऑपरेशन बहमन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोर्टार हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI, जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। ये ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान की लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में यह गुट सरकारी संस्थानों पर हमले करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल। ये बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्ला जादे है। पांचवा गुट है अहबाजी अरब ग्रुप। ये गुट खुजेस्तान प्रांत को ईरान से आजाद कराना चाहता है। छठा गुट है ASMLA। ये ईरान में अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट है। जबकि इसके अलावा PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो साउथ ईस्ट तुर्की और उत्तरी इराक में सक्रिय है, इसमें अभी 4000 से ज्यादा लड़ाके हैं, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। इस ग्रुप को अमेरिका हथियार और रसद देता आया है। अब ईरान और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ PKK के लड़ाके युद्ध में उतर सकते हैं। अमेरिका ने जो प्लान तैयार किया है, उसमें सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमला किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर इमाम हुसैन बेस है, जहां करीब 3000 प्रॉक्सी लड़ाके मौजूद हैं। सीरिया में टारगेट नंबर 2 दमिश्क के बेस, जहां ईरानी प्रॉक्सी संगठन के 1000 लड़ाके हैं। इसी तरह अलेप्पो कमांड सेंटर में 5000 लड़ाके हैं, जहां अमेरिका समर्थित प्रॉक्सी संगठन हमला कर सकते हैं। इसी तरह शरियत एयरबेस पर IRGC की 3 बटालियन तैनात है, जहां इसराइल बम बरसा सकता है। जैनब मिलिट्री बेस पर 2000 लड़ाकों की तैनाती है, जबकि इजरा बेस पर मौजूद 1000 लड़ाकों को अमेरिका इसराइल ज्वाइंट ऑपरेशन में खाक कर सकते हैं। सिर्फ सीरिया में ही नहीं, बल्कि ईरान में प्रॉक्सी हमले कराने की तैयारी इसराइल कर चुका है। इसके लिए मोसाद एजेंट एक्टिव हो चुके हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान विरोधी गुटों को हथियार भेजकर ईरान को तबाह कर देना चाहता है। सिर्फ PKK ही नहीं, बल्कि कई और प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें अमेरिका फंड देता रहा है। जैसे MEK को इसराइल और US का समर्थन है, फंड और हथियार इन्हीं दोनों देशों से मिलते हैं। PJAC को भी इसराइल और USA से ही फंड और हथियार दिए जाते हैं, ताकि तेहरान के रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस का जवाब तैयार किया जा सके। बलोच गुट जैश अल अदल को ईरान में सक्रिय रहने के लिए पाकिस्तान का समर्थन मिलता है।
ASMLA और अहबाजी अरब ग्रुप्स को सऊदी अरब और यूएई का समर्थन मिलता है, क्योंकि ये अरब मूल के हैं और सऊदी ईरान से होती का बदला इन्हीं गुटों के जरिए लेना चाहता है। जबकि ईरान ने सारे प्रॉक्सी गुटों को एकजुट होने के लिए कहा है। आईआरजीसी और प्रॉक्सी संगठनों के कमांडर्स की मीटिंग में फैसला लिया गया कि इसकी कमान कताइब हिजबुल्ला को सौंपी जाएगी, जो सीरिया, इराक से लेकर लेबनान और यमन तक में इसराइल के खिलाफ हमलों को कमांड देगा। साथ ही ईरान अरब देशों को ब्रदरहुड के नाम पर एकजुट करके इसराइल की घेराबंदी करना चाहता है, जिससे इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा करके अरब स्प्रिंग जैसा माहौल तैयार किया जा सके। खामनेई के ब्लूप्रिंट को रोकने के लिए ट्रंप को बड़ा फैसला लेना होगा, साथ ही ईरान विरोधी प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव करना होगा। ऐसे में अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है, जबकि वो पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल की सुरक्षा के लिए 42,000 करोड़ खर्च कर चुका है, जिसमें से करीब 20,000 करोड़ उसने लाल सागर में होती को रोकने में खर्च कर डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।